अरे क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो, जाकर ढूंढो उसे। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही कुछ होगा, ये तो हमारे परिवार की खानदानी परंपरा है। आप बिल्कुल मत घबराइए, सुमन वापस आ जाएगी। अरे समधी जी, आप भी क्या इस बावले की बातों में आ गए। चलिए, इसे परंपरा कहते हैं जिससे बारातियों का मुंह कला हो जाए। इससे अच्छी तो मेरी पड़ोसन की बेटी थी। तो अपने बेटे की शादी करवा लेना ना उससे। ठीक है, मैं मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। आखिर ये कैसे बराती है, सबके सामने शराब पी रहे हैं, उन्हें जरा भी तमीज नहीं है। अभी ये हालत है तो बाद में क्या होगा। ऐप तो सब में होते हैं, लेकिन दौलत सबके पास नहीं होती। महंगी शराब का इंतजाम करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। शुक्रिया, एक मिनट मैं फोन देता हूँ, ये लो। हाँ बोलिए भाभी जी, कैसे हैं आप? Hey, तेरे घर के इस जश्न को आज मैं मातम में बदल दूंगा। क्या, कौन है? अपनी बेटी की मंगनी पर बहुत खुशी हो रही है ना तुझे? एक घंटा रुक, तेरे जनाजे पर सब रोएंगे। कौन है बे तू? तेरी मौत। क्या? अरे सुनील। हाँ जी जी। मैं कमिश्नर से मिलने जा रहा हूँ, सबका ख्याल रखो। जी अच्छा। चलिए कमिश्नर साहब, मैं आप ही से मिलने आ रहा हूँ। कोई मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, बस उन्हें पकड़ो। क्या कहा? कौन था वो? ये सब हमसे क्यों पूछ रहा है? तू जाके खुद पता लगा, पुलिस वाला तू है या मैं हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि उनका निशाना चूक गया, वरना मैं तेरी वर्दी उतरवा देता। सर देखिए, आप खफा मत होइए, मैं सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। तेरे पुलिस वाले किसी काम के नहीं है, वो मच्छर तक नहीं मार सकते। इन भाड़े के टट्टुओं को ले जाए यहाँ से। सर प्लीज। जीजा जी, इन पुलिस वालों को छोड़िए, मैं मंत्री जी से बात करके जेड सिक्योरिटी की मांग करूंगा, फिर उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे मारकर कौन जश्न मनाना चाहता है, पता लगाओ। हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए, किसी ऐसे को भेजिए जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले। कोई तो होगा। अबे ओए डायरेक्टर, अबे डरा मत, चुपचाप डायलॉग बोल। मेरा हर टेक फाइनल है,
जिस तरह मोनालिसा की पेंटिंग भंसाली ने बनाई थी, उसी तरह न्यूटन ने आईफिल टावर बनाया। अगर सीमेंट से बनाते तो खर्चा बच जाता और मच्छर भी नहीं आते, ना ही कौवे पॉटी करते। अरे ताजमहल बना तो बना, पर क्या वो मुमताज महल नहीं बन सकता था? ये औरंगजेब ने करवाया। कमबख्त को दीवार में चुनवा दो। औरंगजेब को दीवार में चुनवाए ना चुनवाए, मुझे जरूर चुनवा देंगे। चुप कर गंजे, अब अगर तूने टोका तो इस गधे से मार कर तेरा सिर सुजा दूंगा। तुम्हें बात कर रहा था दूसरे विश्व युद्ध की। गंगूबाई क्या लड़ी थी? उस वक्त अगर मैं होता तो मैं गंगूबाई के साथ मिलकर अपने धोबी पछाड़ गधे से मुगलों को नेस्तो नाबूद कर देता। बिल क्लिंटन पंजाब में पैदा हुआ था क्या उसने बताया? बिना बताए चुपचाप रफू चक्कर हो गया, जाकर ब्राजील का राष्ट्रपति बन गया। उसे मैंने समझाया था, सुन कुंभकर्ण, तू क्या चाहता है? तेरा पेट भरने के लिए मैं गरीबों का पेट काटूं? ये नामुमकिन है, इसके लिए मैं खून की नदियां बहा दूंगा। भाले चलेंगे, तलवारें चलेंगी, लेकिन मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। होल थिंग इज दैट भैया, सारी मुसीबत की जड़ एक है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से देश में गरीबी छा जाती है, भुखमरी आ जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। सुना आप लोगों ने? आज से एक बात याद रखो, अगर अपने परिवार का भला चाहते हो तो जनसंख्या कम करो। क्या बात है। अरे सत्या, पद्मा ने संजू की वाट लगा दी, कुछ गुंडे उसे धो रहे हैं। फिक्र मत कर, अब हीरोगिरी दिखाने का वक्त आ गया। दोबारा प्यार करेगा? करूंगा, मरते दम तक करूंगा। जानू मेरी लैला, तू क्या जाने, तू मेरा प्यार है पहला। भाई कह रहे थे भाभी को लाइन मारते, मरेगा मरेगा। भैया हाथ मत उठाओ, वो भी मेरी तरह आशिक है। भाभी को लाइन मारता है, मत करना। अरे हाथ तेरे जबड़ा तोड़ दूंगा। अरे चुम्मा लेगा क्या? अबे हकले, दोस्त पर हाथ उठा के तूने शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया है, छोड़ दे उसे। छोड़ दूंगा, ये पद्मा को छोड़ेगा? हाँ हाँ, पद्मा संजू के साथ जाएगी। अब बोल। मुझे मालूम था तुम लोगों का जवाब यही होगा। ए पार निकलो रे। ये तो फौज के साथ आया, तो कल्टी मारे। आपने एक बार कदम बढ़ा दिए तो मौत से भी नहीं डरते, फिर ये मच्छर क्या चीज है? इन पांच लोगों के बल पे तू चल रहा है, उनके लिए मेरा झबरू काफी है। ए झबरू, हाँ, बोल कल्लू। इस कमबख्त ने मुझसे मेरी पद्मा को छीना है। हाँ। अब तुझे जाके इनका खून हाँ। पीना है। तूने खून पिया तो 500 रुपए, हाँ। उन्होंने खून चूसा तो 1000 वो देंगे। लगे लौटरी बा। मारना देख क्या रहा है, अरे 1000 रुपए मिलेंगे, मेरा नुकसान क्यों कर रहा है? मारना बेटा मार, अरे मारने, अरे तुम लोगों ने मुझे स्कूल का टीचर समझ रखा है क्या? मारना मारना, अब पढ़ाता हूं। Oh!
अरे चिरकुट, भाड़े का कोट और सस्ता गिटार लेकर अपने आप को हीरो समझ रहा था। चल 1000 रुपए खाली कर, इसको दे। ए कलू ले, अबे बोला ना ले। शर्त घोड़ों पर लगाई जाती है, शेरों पर नहीं। समझ में आ गया, इस गधे से मेरी हड्डियां टूट सकती है। हड्डियां तो तेरी टूटेंगी, उसके बाद तो सीधा कब्र में। तो मैं क्या करता भाई, दिल लेके बांटा ही नहीं। पद्मा भी मुझे चाहती है। अच्छा पद्मा, जरा सामने आना, ये क्या माजरा है? तू बैठना, हीरो और हीरोइन के बीच में विलन को आने की जरूरत नहीं है, पर आज दोस्त का मामला है। ए पद्मा, अब तू ही बता यार, ये या वो? छी, ये कल्लू नहीं, वो पीलू पसंद है। अरे क्या बात है, तेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया कल्लू। ले पकड़, लड़की तो गई। ये बात पहले ही बोल देती पद्मा, ये गुंडे, ये कोट, ये जीप, माँ के गहने गिरवी रख कर लाया था। इस बेतहाश जमाने में ये धरती मेरी माँ है और वो बादल मेरा बाप है। वाह 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 वाह, तेरा डायलॉग सुन के तो मैं इमोशनल हो गया यार। अरे ये गई तो क्या, कोई और आ जाएगी? पद्मा तो नहीं आएगी ना। अल्लू मेरे पीलू।